मैं कैसर हुसैनी और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज नेटवर्क। दर्शकों, साप्ताहिक प्रोग्राम हमारा समाज और हम लेकर उपस्थित हैं। तिवारी जी, सदाकत न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और अभी इस वक्त जो भौचाल महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है, अजित पवार साहब जो उप मुख्यमंत्री बन गए और डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड को विपक्ष नेता बनाया गया, तो ये कुल मिला जुला करके क्या स्थिति है और इस पर क्या आप बोलेंगे? अजीत पवार साहब जी ने जो भी कहा है किया है, अजीत पवार एक मजे हुए खिलाड़ी हैं, अजीत पवार एक मजे हुए खिलाड़ी और नेता हैं। अजीत पवार के अंदर जो शरद पवार के अंदर जितने गुण हैं वो सारे अजीत पवार में हैं। अच्छा। हाँ, तो चूँकि अजीत पवार ने राजनीति का ककहरा शरद पवार से ही सीखा है, भतीजे भी हैं, तो शरद पवार को बहुत करीब से अजीत पवार जानते हैं। बिल्कुल, बचपन से उंगली पकड़ के और अब तक जी। तो शरद पवार कब क्या कर जाएंगे ये जैसे किसी को नहीं पता है। हाँ। उसी तरीके से अजीत पवार अब क्या कर जाएंगे शरद पवार को नहीं पता है। वेरी गुड जी। क्योंकि ये समय समय पे अजीत पवार जी ने दिखाया। तो और ऐसा अजीत पवार जी को कहीं ना कहीं लगा होगा कि ये एनसीपी में उनका भविष्य नहीं है, क्योंकि शरद पवार कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। अच्छा। जैसे कि उन्होंने इस्तीफा दिया कि अभी भाकरी पलटने का समय आ गया, एक बोल के और उन्होंने इस्तीफा दे दिया जी। कि सबको लगा कि अभी यहाँ का चुनाव होगा, कोई और चुना जाएगा। हाँ। सुप्रिया सूले को ही अध्यक्ष बना दिया गया, कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया उनके नीचे, और फिर वही अध्यक्ष बन गए और सुप्रिया सूले को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। तो चलो केंद्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष में सुप्रिया सूले आ गई। फिर अजीत पवार जी ने ये कहा कि महाराष्ट्र की मैं तो स्टेट का मैं विपक्ष का नेता ना बनके मैं पार्टी में काम करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे ये कहा गया कि ये एक दिन का डिसीजन लेने का टाइम नहीं, इसमें पार्टी के प्रमुख लोग बैठ के सोचेंगे जी। तो कहीं ना कहीं शरद पवार को एनसीपी में अपना भविष्य अंधकार में नजर आने लगा। और अजीत पवार एक बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के। अजीत पवार कई बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं। अजीत पवार की समझ महाराष्ट्र की राजनीति को लेके अच्छी है, उनको पता है कहाँ क्या होता है। और तो इसका मतलब ये कि शरद पवार साहब कमजोर पड़ गए। मेरी बात समझिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ शरद पवार कमजोर पड़ गए, अजीत पवार ताकतवर हो गए, लेकिन अजीत पवार ने शरद पवार को जवाब दिया। अच्छा। जो शरद पवार ने 40 साल पहले किया था, कांग्रेस से टूट तोड़ के उन्होंने मुख्यमंत्री बने थे जी, वही अजीत पवार ने आज किया है जी। तो समय जो है बदलता है, के वही काम वही समय, जैसे लोग कहते हैं ना कि आज जो कर रहे हो कल आपको मिलेगा। हाँ, तो हाँ। जो शरद पवार ने किया था अजीत पवार ने वही किया, तो शरद पवार के साथ वही हुआ जो अजीत शरद पवार ने कांग्रेस में रहते हुए किया था। ठीक हाँ, हाँ। है। और दूसरी बात, आपने कहा कि भविष्य क्या है, भूचाल आया, कोई भूचाल उचाल नहीं आया है, इसलिए कि जो सिचुएशन उद्धव ठाकरे की हुई है कहीं ना कहीं वही सिचुएशन अभी एनसीपी की हो गई है। बीजेपी अच्छा। का रास्ता बहुत क्लियर हो रहा है महाराष्ट्र में, ऐसा लग रहा है। अच्छा। क्योंकि हंगामा हुआ महाराष्ट्र की राजनीति में, इसका असर चला गया जो है बिहार तक में। हाँ, जो ये तो बड़ी अजीब बात है। अभी जो वहाँ पे जो लोग कई पार्टियाँ इकट्ठे होकर पटना में जो इकट्ठे लोग हुए थे, अभी उनके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई कि करे तो क्या करे। अच्छा। भाई पहले अपने घर की आग बुझाओगे, मोहल्ले की सुलझाने जाओगे। बिल्कुल सही बात। 2024 की तैयारी कर रहे थे, पार्टी टूटने को आ गई। ये विपक्षी एकता का क्या करे अब ये समझ में नहीं आ रहा है। ये भी एक अलमिया है, ये भी एक है। तो बाकी पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, जनता के लिए कौन काम कर रहा है, जनता के मुद्दे क्या है, भाई हम पत्रकारों को तो उसी पे ध्यान देना चाहिए। सही। तो जनता के लिए जो काम करे, जनता के मुद्दों को जो सुलझाए, हम पत्रकारों को वही न्यूज़ दिखानी चाहिए। बाकी अजीत पवार मंत्री बने या एनसीपी का मंत्री बने, जनता जिसको वोट देगी वो उसको मंत्री बनना चाहिए। अब आपने पूछा था कि जितेंद्र आव्हाड जो है उनको जो है इसका विरोधी पक्ष का नेता बना दिया गया है जी। तो मेरा जहाँ तक मानना, जितेंद्र आव्हाड का वो कद नहीं है जो अजीत पवार का कद है। हाँ सही। एक जितेंद्र आव्हाड
कितनी भी दो बार चार बार के विधायक होंगे, 20-25 साल का उनका करियर होगा, मैं एग्जैक्ट नहीं बोल पा रहा हूँ, हो सकता है 15 साल का 20 साल का जो भी होगा उनकी नेतागिरी होगी, लेकिन अजीत पवार, जितेंद्र रहमान अजीत पवार तो नहीं, उनका कद तो नहीं। सही, आप ये समझिए कि कोई जो है उसको वैसा ही समझ लीजिए कि एक चाइना वाला आम और रत्नागिरी आम में तो फर्क होता है। हाँ, सही। तो अजीत पवार अगर रत्नागिरी वाला हापूस हैं तो जितेंद्र रहवाड चाइना वाला आम है। तो जितेंद्र रहवाड की विपक्षी नेता बनने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जितेंद्र रहवाड हमेशा विवादों से घिरे रहे हैं और जितेंद्र रहवाड की आदत है विवादों में रहना, और जितेंद्र रहवाड सर्वमान्य नेता नहीं है महाराष्ट्र में। तो अभी इनको जो विपक्ष नेता बनाया है तो इस पर क्या कहेंगे आप? विपक्ष नेता बन के जितेंद्र रहवाड क्या करेंगे? अरे पहले जितेंद्र रहवाड को थाने संभाल लें। परांठे ने जिस तरह से अभी उनको टुचकी दिया है और नजीमुल्ला उनके सबसे करीबी जो छोड़ के जाने वाले हैं, अभी तो एनसीपी थाने में बिखर रही है। तभी उनको तो, जितेंद्र रहवाड को तो सारी ताकत अभी थाने में लगा देनी चाहिए कि थाने में एनसीपी बचा लें और विरोधी पक्ष नेता वहाँ सरकार भी क्या करें जितेंद्र रहवाड। और सरकार, जब सरकार बहुत ताकतवर होती है, विपक्ष का कोई नामो निशान नहीं है महाराष्ट्र में, क्योंकि बीजेपी तो ही है, उधर सेना टूट के शिंदे गुट बीजेपी के साथ में है, अजीत पवार गुट बीजेपी के साथ में है, तो अब विपक्ष है कहाँ? सही, विपक्ष अब नहीं, बच नहीं। और जितने, और जब इतनी ताकतवर सरकार हो, इतने समर्थन हो महाराष्ट्र के नेताओं का, किसी भी सरकार में विधायकों का, तो कुछ गिने चुने विधायक क्या आवाज उठा लेंगे? महाराष्ट्र में शिंदे सरकार एक ताकतवर सरकार के रूप में है, बीजेपी का समर्थन है उसको, शिंदे गुट तो है ही है, प्लस अजीत पवार भी समर्थन में आ गए अभी, ये भी गोया तीन इंजन की रेल चल पड़ी है महाराष्ट्र में। हाँ भाई, तीन इंजन की रेल तो है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तीन इंजन क्या, आप ऐसा समझ लो कि अभी बुलेट ट्रेन दौड़ रही है महाराष्ट्र में। अच्छा। लेकिन अब इस बुलेट ट्रेन का असली मतलब तो तब होगा कि महाराष्ट्र की जनता का भी कोई भला होगा। वेरी गुड। क्योंकि यही नेता एनसीपी में मंत्री बनते हैं, यही बीजेपी में मंत्री बनते हैं, यही कांग्रेस और अघाड़ी में मंत्री बनते हैं, तो मंत्री पद तो उन्हीं नेताओं के पास है, लेकिन जनता को क्या मिला? जनता हर बार ये पूछती कि अभी 9 मंत्री शपथ ली, अभी 3 मंत्री शपथ ली, अभी एनसीपी वाले ले रहे हैं, अभी बीजेपी वाले ले रहे हैं। तो इनके मंत्री बनने से जनता को फायदा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जनता को फायदा होना चाहिए, मंत्री बने तो ठीक है, मगर जनता को कुछ क्या दे रहे हैं, जनता को क्या दे रहे हैं? जनता के वोट का सम्मान होना चाहिए, यहाँ से वहाँ भाग के सरकार बना लेना ये नहीं है। जनता ने जिसको समर्थन दिया सरकार उसकी होनी चाहिए, ये सही मायने में जनता के वोटों के साथ सम्मान नहीं है, सम्मान नहीं हो रहा। बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी जी। दर्शकों, ये थे हमारे मित्र तिवारी जो जुझारू पत्रकार हैं, उन्होंने अपना व्यू रखा। ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए सदाकत न्यूज नेटवर्क, बहुत जल्द फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबर के साथ, तब तक हमें इजाजत दीजिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सदाकत अखबार सिर्फ अखबार ही नहीं, आपका दोस्त भी है, इसे पढ़िए और दोस्तों को भी पढ़वाइए। ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए सदाकत न्यूज नेटवर्क। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।